देखिए, कोरोना के खिलाफ वैक्सीन ही सबसे बड़ा हथियार है, लेकिन देश में वैक्सीन की किल्लत बनी हुई है। दिल्ली समेत कई राज्य आरोप लगा रहे हैं कि वैक्सीन को लेकर उनके साथ भेदभाव हो रहा है। केंद्र सरकार कह रही है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। क्या वाकई केंद्र के इशारे पर राज्यों को वैक्सीन दी जा रही है या सच कुछ और है? कल भी आए थे, कल भी वापस चले गए, आज डेढ़ घंटे बाद पता चला कि स्टॉक ही नहीं है। कल तक तो लग रही थी यहाँ पर वैक्सीनेशन, बट आज अमृतसर में किसी भी हॉस्पिटल में अवेलेबल नहीं है। आज वैक्सीन खत्म है, कल डेढ़ बजे से खत्म है। कल ना स्लॉट बुक हो रहे हैं, सानू तो पता भी नहीं है। सानू जो तो पता लगता है आ जाने, सानू कह देंगे कल आ जाइए। अजीब हालत है। केंद्र सरकार वैक्सीनेशन के आंकड़े गिनाती है, बार बार कहती है कि राज्यों को वैक्सीन दी जा रही है, लेकिन कई राज्य सरकारें अभी भी किल्लत की कहानियां सुना रही हैं। आज सबसे बड़ी अड़चन हमारे सामने है कि वैक्सीन की बहुत कमी है। अगर हमें वैक्सीन की डोजेज, हमें अगर वैक्सीन पर्याप्त मात्रा में मिल जाए, तो जैसे मैंने बार बार बोला है, हम 3 महीने के अंदर दिल्ली, पूरी दिल्ली को वैक्सीनेशन करना चाहते हैं। वैक्सीनेशन पर सरकारों में तकरार जारी है, एक दूसरे पर सच और झूठ के आरोप मढ़े जा रहे हैं। केजरीवाल ने कहा, हमने 1,34,00,000 वैक्सीन का ऑर्डर किया। बीजेपी कह रही है कि दिल्ली सरकार झूठ बोल रही है। सवाल ये है कि किस राज्य को कितनी वैक्सीन मिलेगी, ये तय कौन कर रहा है? वैक्सीन को लेकर जो देश में पॉलिसी है, उसके मुताबिक 50% वैक्सीन केंद्र सरकार खरीद रही है और उसे राज्य सरकार को दे रही है, ताकि वो 45 साल से ज़्यादा उम्र के लोगों को वैक्सीन मुहैया करा सके। बाकी 50% निजी अस्पताल और राज्य सरकारें खरीद रही हैं। निजी अस्पताल और राज्य सरकारें सीधे कंपनी से खरीद रही हैं और उसे 18 से 44 साल वाले लोगों को दे रही है। लेकिन सवाल यह है कि 18 से 44 साल वालों के लिए जो वैक्सीन राज्य सरकारें सीधे खरीद रही हैं, उसका कोटा कौन तय कर रहा है? क्या इसे केंद्र सरकार या उसकी कोई एजेंसी तय कर रही है कि राज्यों को कितनी वैक्सीन भेजी जाए, या फिर वैक्सीन बनाने वाली कंपनियां तय कर रही हैं कि किस राज्य को कितनी वैक्सीन भेजी जाएगी? ये सवाल इसलिए उठ खड़ा हुआ है क्योंकि एक दिन पहले दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने जो कुछ कहा, उसका मतलब यही निकलता है कि राज्यों की खरीदारी भी केंद्र तय कर रहा है। भारतीय जनता पार्टी झूठ बोल रही है कि दिल्ली सरकार ने 5.5 लाख वैक्सीन का ही ऑर्डर किया। दिल्ली सरकार ने 1,34,00,000 वैक्सीन का ऑर्डर किया था और उसके जवाब में केंद्र सरकार ने बोला, दिल्ली सरकार ने कंपनियों को ऑर्डर दिया था, केंद्र सरकार ने बोला कि दिल्ली को केवल 3.5 लाख वैक्सीन ही मई के महीने में मिल पाएंगे। सवाल सिर्फ दिल्ली का ही नहीं है, कई और राज्य भी वैक्सीन को लेकर भेदभाव का आरोप लगाते रहे हैं। पंजाब के स्वास्थ्य मंत्री ने भी कुछ इसी तरफ इशारा किया। हमारे अफसर साहबान जो बहुत प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं, जहाँ चीफ सेक्रेटरी हैं, जहाँ सीएम लेवल पे बात होती रहती है, लेकिन हम तो डेली उनसे बात करते हैं कि जल्दी से जल्दी, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट का कंट्रोल है, उन्हीं के थ्रू ये आती है, वही वहाँ से एलोकेट करते हैं किसको देनी किसको नहीं देनी। ऐसे में ये समझना जरूरी था कि आखिर राज्यों को वैक्सीन देने की प्रक्रिया क्या है। एबीपी न्यूज ने जब इस बात की जानकारी जुटाने की कोशिश की, तो स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारियों ने साफ कहा कि केंद्र का इसमें कोई रोल नहीं है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारियों ने साफ तौर पर कहा कि केंद्र सरकार की बस यही कोशिश रहती है कि हर राज्य को वक्त पर वैक्सीन मिले, साइंटिफिक अप्रोच के साथ मिले। किस राज्य को कितनी वैक्सीन देनी है, इसमें केंद्र का कोई रोल नहीं होता। केंद्र सरकार इस बात की कोशिश करती है कि राज्य सरकारों के साथ समन्वय बनाया जाए, ताकि ऐसा ना हो कि कुछ राज्यों को सभी वैक्सीन चली जाए। केंद्र सरकार सपोर्ट करती है कि ये इंश्योर जरूर करेगी, ये इंश्योर चाहेगी कि कहीं ऐसा ना हो कि कोई पर्टिकुलर स्टेट में ही सारी वैक्सीन चली जाए, और क्योंकि देखिए वैक्सीन सब जगह जरूरत है, तो ये ना हो जाए कि हम उसको उस स्टेज पर ले जाएं कि किसी को मिले किसी को ना मिले। उसके लिए एक फैसिलिटेशन, एक गाइडेंस, एक एडवाइजरी के रूप में हम डिस्कस करते हैं स्टेट्स के साथ। सवाल यह है कि राज्यों को ज्यादा से ज्यादा वैक्सीन कैसे मिले और 18 से 44 साल के लोगों को वैक्सीन में तेजी कैसे आए। इसे लेकर आज दिल्ली के मुख्यमंत्री ने एक नया फॉर्मूला दिया। केजरीवाल ने कहा, देश में अभी सिर्फ 2 कंपनियां ही वैक्सीन बना रही हैं। इस तरह से देश के हर व्यक्ति को वैक्सीन लगाने में 2 साल लग जाएंगे, इसलिए देश में वैक्सीन का उत्पादन बढ़ाया जाना चाहिए।
वैक्सीन बनाने का फॉर्मूला देश की दूसरी कंपनियों को भी देना चाहिए। अगर कई कंपनियां मिलकर वैक्सीन बनाएंगी तो प्रोडक्शन बढ़ जाएगा। मैं आज एक सुझाव देना चाहता हूं, वैक्सीन बनाने का काम केवल दो कंपनियां ना करें, कई कंपनियों को वैक्सीन बनाने में लगाया जाए। केंद्र सरकार इन दोनों कंपनियों से वैक्सीन बनाने का फॉर्मूला ले ले और उन सभी कंपनियों को दे दे जो सुरक्षित तरीके से वैक्सीन बना सकती हैं। ऐसे कठिन समय में केंद्र सरकार के पास पावर है कि वो ये कर सकती है। वैक्सीन बनाने का फार्मूला सार्वजनिक करके उन कंपनियों को दे सकती है जो वैक्सीन बनाना चाहती हैं, और ये सुनिश्चित किया जाए कि भारत में जो भी प्लांट वैक्सीन बनाने में सक्षम है उन सब में वैक्सीन का उत्पादन होना चाहिए और हर भारतवासी को वैक्सीन लगनी चाहिए। पिछले एक दो दिनों में यूपी के कई जिलों में वैक्सीनेशन ने रफ्तार पकड़ी है। कई और राज्यों से भी वैक्सीनेशन की तस्वीरें आ रही हैं, लेकिन फिर भी देश की एक बहुत छोटी सी आबादी को अभी तक वैक्सीन लग पाई है। ऐसे में सवाल ये है कि केजरीवाल ने जो सुझाव दिया है क्या वो अपनाया जा सकता है। मुंबई सहित महाराष्ट्र में एक बार फिर से कोरोना टीकाकरण की रफ्तार धीमी हो गई है। इसकी वजह है वैक्सीन की किल्लत। महाराष्ट्र के सबसे बड़े वैक्सीनेशन सेंटर बीकेसी जम्बो वैक्सीनेशन सेंटर में भी आज दिन भर में सिर्फ 1000 टीका लगाए जाएंगे, वो भी 18 साल से 44 साल आयु वर्ग के लोगों को जिन्होंने ऑनलाइन अपॉइंटमेंट लिया हुआ है। इसके अलावा जिन्होंने कोवैक्सीन की पहली डोज ली थी वो दूसरी डोज 12 बजे के बाद ले सकते हैं, लेकिन मात्र 250 कोवैक्सीन के डोज उपलब्ध है दूसरी डोज देने के लिए। 18 से 44 साल के उम्र के लोगों के लिए हम तो वैक्सीन खरीदना चाहते हैं, दुनिया के बाजार से भी खरीदना चाहते हैं, लेकिन वैक्सीन उपलब्ध नहीं हो रहा है, इसलिए उसको हमारे को थोड़ा गो स्लो करना पड़ेगा, दूसरा हमारे पास कोई उपाय नहीं है। देश में अभी तक कुल वैक्सीनेशन की बात की जाए तो 45 साल से ऊपर वालों को 13 करोड़ 22 लाख वैक्सीन की डोज दी जा चुकी है, जिसमें पहली और दूसरी डोज शामिल है। स्वास्थ्य कर्मियों को 1 करोड़ 61 लाख वैक्सीन डोज, फ्रंटलाइन वर्कर्स को 2 करोड़ 19 लाख वैक्सीन डोज, इसके अलावा 18 से 44 साल वालों को वैक्सीन की 25,59,000 डोज दी जा चुकी है, जिसमें सिर्फ पहली डोज शामिल है। यानी कुल मिलाकर देश में अभी तक 17 करोड़ 27 लाख वैक्सीन डोज दी जा चुकी है। 17.01 करोड़ डोजेज देश में वैक्सीन की गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा फ्री सप्लाईज के रूप में स्टेट्स को प्रोवाइड की गई हैं, जो कि लोगों को मिल चुकी हैं। दिल्ली एनसीआर में दूसरे राज्यों से आए नौकरी पेशा वाले लोग रहते हैं। वैक्सीनेशन शुरू होने के बाद कई लोगों के मन में सवाल है कि वो अपने गृह राज्य में वैक्सीन लगवाएं या फिर नोएडा, गाजियाबाद जैसी जगहों पर उन्हें वैक्सीन लग सकती है। एबीपी न्यूज ने गौतम बुद्ध नगर के सीएमओ से जब ये सवाल किया तो उन्होंने साफ किया कि अगर आप दूसरे राज्य से आकर नोएडा में नौकरी करते हैं और आपके पास रेंट एग्रीमेंट या लीज पेपर हैं या फिर आप बिजली बिल लेकर आते हैं तो आपको वैक्सीन लगाई जाएगी। उत्तर प्रदेश का निवासी होना जरूरी है, न कि मूल निवासी, दोनों में डिफरेंस है। मूल निवासी का मतलब यहीं पर पैदा हुआ, यहीं बड़ा, यहीं पला। कोई भी आदमी अगर बाहर से आ रहा है, उत्तर प्रदेश में निवास कर रहा है, तो उसको वैक्सीन लगेगी। इस बीच कई जगह से चौंकाने वाली खबरें ये आ रही हैं कि जिन्हें वैक्सीन लगाई ही नहीं गई उन्हें भी वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट मिल गया या फिर उनके मोबाइल में वैक्सीन दिए जाने का मैसेज आ गया। मुंबई से भी ऐसी ही खबर आई। मुलुंड से बीजेपी विधायक मिहिर कोटेचा ने ट्वीट करके वैक्सीनेशन में गड़बड़ झाले का आरोप लगाया। बीजेपी विधायक ने ट्वीट करके एक महिला का वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट सामने रखा और कहा कि इस महिला को बिना वैक्सीन दिए ही सर्टिफिकेट दे दिया गया। उन्होंने बीएमसी से इसकी शिकायत की और कहा कि मुंबई में हर वैक्सीन की ऑडिट होनी चाहिए। मुलुंड की एक महिला नागरिक कल शाम को मेरे पास आई थी और उन्होंने अपनी व्यथा बताई। उनको महानगर पालिका के विक्रोली सेंटर का शेड्यूल्ड अपॉइंटमेंट मिला था उनके पहले डोज के लिए। कुछ कारणवश वह वहां पे जा नहीं पाई, लेकिन हैरत की बात है, शाम को उनको ईमेल द्वारा उनकी फर्स्ट डोज की प्रोविजनल सर्टिफिकेट आ गई। वैक्सीन को लेकर सियासत और किल्लत के बीच एक बात तो साफ है कि देश का आम आदमी अब वैक्सीन की अहमियत समझ चुका है। लोग जल्द से जल्द वैक्सीन लगवा लेना चाहते हैं, लेकिन पूरे देश में वैक्सीनेशन पूरा होने में अभी वक्त लगेगा। जाहिर है ऐसे में फिलहाल कोशिश यही है कि किसी तरह कोरोना के आंकड़े कम हों। पिछले दो दिनों में नए केस की संख्या काफी कम भी हुई है।
पिछले 24 घंटे में 3,29,000 नए केस सामने आए हैं। 3,876 लोगों की मौत हुई है। महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा, छत्तीसगढ़, बिहार, गुजरात और आंध्र प्रदेश में भी रोज सामने आने वाले नए केस कम हुए हैं। दिल्ली में भी लॉकडाउन असर दिखा रहा है। दिल्ली में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 12,481 नए मामले आए, जो 12 अप्रैल के बाद सबसे कम है। पिछले 15 दिनों में दिल्ली में पॉजिटिविटी रेट आधा हुई है। पॉजिटिविटी रेट अब 17.76% हो गई है। चिंता की बात यह है कि मौत का आंकड़ा कल के तुलना में बढ़ा है और टेंशन इस बात की भी है कि मौत की रफ्तार बढ़ रही है। देश में कोरोना से 12 मार्च 2020 को पहली मौत दर्ज हुई थी। उसके बाद 50,000 का आंकड़ा पार करने में 156 दिन लगे, लेकिन आखिरी 50,000 लोगों की मौत सिर्फ 13 दिन में हो गई। WHO यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भी कहा है कि भारत में पाया गया कोरोना का B1617 वेरिएंट बेहद खतरनाक है, लेकिन इसी के साथ WHO ने यह भी कहा है कि भारत में मौजूद वैक्सीन इस वेरिएंट पर कारगर है। ABP News आपको रखे आगे।